जितना जितना प्रभु योग्यता दिए हैं उतना आप उसको कीजिए, उसे भगवत सेवा मान के कीजिए। और अगर नाम जप करेंगे तो आप अपने को उससे बचा पाएंगे। हाँ, नहीं तो सफलता और असफलता में हर्ष और शोक घसीट लेता है। सफलता में हर्ष, असफलता में शोक। और अगर हर्ष और शोक से बचना है तो राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपते रहे महाराज जी। असफलता तो जैसे एक पहलू है महाराज जी, असफलता और सफलता। तो असफलता में, सफलता में तो हर्षित होके बच के, जैसे मतलब संसार नहीं बचता नहीं डूबता है, डूब जाएंगे महाराज जी। पर असफलता में कैसे उभरे हैं महाराज जी? हाँ, असफलता में उभरता वही है जिसके अंदर भगवान की कृपा से बौद्धिक बल होता है कि आज असफल हुए तो निराश होने की थोड़ी जरूरत है, कल सफलता हमारे चरण चूमेगी। निराशा हमारे जीवन में शब्द नहीं होना चाहिए। और जो हर्ष में डूब जाता है उसे शोकित होना पड़ेगा असफलता में, इसलिए हर्ष में गंभीर रहना है, फूलना नहीं है, और शोकित होना नहीं पराजय में, तभी हम आगे बढ़ेंगे। प्रायः क्या होता है, हर्ष में हम इतनी पार्टी जोर की मनाते हैं, ऐसे ही शोक में उतने ही आंसू बहाने पड़ते हैं जब कभी असफल होते हैं। तो हर्ष में पार्टी तो मनाए।